और आइए आगे बढ़ते बताते हैं आपको, लोकसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव दो जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आज कहां कहां पर अखिलेश यादव की जनसभाएं होनी है ये जान लीजिए आप। आज अखिलेश यादव महाराजगंज और घोसी में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। महाराजगंज में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचेंगे और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी यहां पर मौजूद रहेंगे। दोपहर 12 बजे महाराजगंज के निचलौल में कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी के समर्थन में चुनावी जनसभा करने वाले हैं। इसके बाद अखिलेश दोपहर 1:45 पर घोसी लोकसभा क्षेत्र के कोपागंज में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय के समर्थन में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज वाराणसी दौरे पर रहने वाली हैं। पीएम मोदी के लिए चुनाव प्रचार वो करेंगी। दोपहर 1 बजे स्मृति ईरानी जनसभा को करेंगी संबोधित। कादम्बनी लॉन शिवपुर वाराणसी में जनसभा होगी संबोधित और करेंगी संबोधित, और जनसभा में बीजेपी के कई पदाधिकारी और नेता मौजूद रहेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुसलमानों से पीएम मोदी को सपोर्ट करने की अपील की है। क्या बोल रहे हैं वो सुनिए। सपा के लीडरों ने और खासतौर पर अखिलेश यादव ने हाशिए पे कर दिया, तो अब ऐसी सूरत हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुसलमानों को जुड़ना चाहिए। उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो उस दोस्ती का हाथ दोस्ती के साथ में होना चाहिए। खबर रामपुर से है जहां पर डूंगरपुर मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान दोषी करार दिए गए। रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने आजम खान को दोषी माना। डूंगरपुर बस्ती को जबरन खाली कराने, लूटपाट और धमकाने के आरोप सही साबित हुए। इस मामले में 2019 में केस दर्ज किया गया था। 6 दिसंबर 2016 का ये मामला है। आजम खां जरिए वीसी पेश हुए थे और 556/19 की जो फाइल लगी हुई थी आज निर्णय में, उसमें निर्णय आया है अदालत का, जो विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए कोर्ट सेशन कोर्ट डॉक्टर विजय कुमार की कोर्ट से आया है। इसमें आजम खां और बरकत अली इन दोनों लोगों की दोष सिद्धि की गई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार लौट रहे हैं पहाड़ की खबरों के साथ।